महेश आज प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इस बंगला कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। नाट्य रूपांतरकार हैं B.S. भटनागर। लीजिए सुनिए नाटक महेश। ये बैल सुबह से अभी तक इसी जगह बताओ, लगता है गफूर की शामत आई। ओए गफूर, ओ गफूर, अरे घर में है क्या? अब्बा को बुखार आ गया है पंडित जी। बुखार आ गया है पंडित जी? मेरे सामने न पढ़ने का बहाना करता है पाखंड, बुला से सीधी तरह। सलाम पंडित जी। सलाम का बच्चा, ये क्या हो रहा है? कहाँ पंडित जी? अब बताओ कहाँ पंडित जी? अरे ये तेरे सामने ये तेरा ही बैल है ना? हाँ। किसी और का तो नहीं? नहीं पंडित जी, मेरा ही है। सवेरे जब मैं जमींदार जी के छोटे लड़के के जन्मदिन की पूजा कराने के लिए इधर से गया था, तो इसे यहीं इसी बबूल की डाल से बंधे देखा था। हाँ, और अब तपती दोपहरी में लौटा हूँ तो अब भी देख रहा हूँ ये वैसे का वैसे ही बना हुआ। अरे ये हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है समझा? तुझे इस बात का भी कुछ होश है? क्या करूं पंडित जी, बहुत लाचार हो गया हूँ, कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पगा थाम कर थोड़ा बहुत चढ़ा लाता था पर वो भी नहीं होता, चलता हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, गिर गिर पड़ता हूँ। तो खोल क्यों नहीं देता? आप ही चराएगा? अरे कहाँ छोड़ा हूँ पंडित जी, मैदान में कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं है, सारा मैदान सूख कर सफाचट हो रहा है, ऐसे में कैसे छोड़ दूँ? डरता हूँ कहीं किसी के धान में मुंह न मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर न कर डाले। नहीं छोड़ता तो ना छोड़, लेकिन इसे कहीं छामे बांधकर दो आटी पुआली डाल दे, जब आता रहेगा श्री हरि श्री हरि। पंडित जी जो पुआल हिस्से में मिला था वो जमींदार साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। अरे तू हाथ जोड़ता पैरों पड़ता वो तुझे ना देते? अरे मैंने बहुत हाथ जोड़ कर रो बिलख कर कहा था जमींदार साहब, जमींदार साहब, मालिक हैं आप, आपका राज छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ, सरकार सरकार मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, पुआल बिल्कुल नहीं दिया जा सकता तुम्हें। अरे सरकार कैसी बातें करते हैं हजूर, छप्पर छाना है, एक ही कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, खैर इस साल ताड़ पत्तों से छाकर गुजर कर लूंगा, लेकिन मालिक मालिक पुआल मस्तर में होगा ना तो मेरा महेश भूखो मर जाएगा। महेश? हाँ सरकार। कौन महेश? महेश मेरा बैल है सरकार। ओ वाह वाह वाह, महेश की सवारी का नाम महेश रख डाला, वाह वाह। दया करें सरकार, जानवर बेजुबान होता है वो खुद फरियाद नहीं कर सकता। सरकार तुम्हारे गड़गड़ाने पर ही मैंने तुम्हें रुपया कर्ज दिया था। सरकार दो फसलें निकल गई है, तुमने एक पैसा नहीं लौटाया। सरकार तुम्हारे हिस्से का पुआल मैं कर्ज के सूद में जब्त कर रहा हूं। सरकार दया करे सरकार, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे सरकार, हम बाप बेटी को पेट में डालने के लिए कुछ अनाज जरूर मिल जाए सरकार। दो महीने की खुराक लायक धान तुम गोदाम से ले लेना। पर पुआल तो थोड़ा जरूर मिलना चाहिए सरकार, आपकी दुआ है सरकार, सरकार पुआल मिला मेरा महेश बचाएगा, क्षमा करे मालिक क्षमा करे सरकार, मेरा महेश मर जाएगा। श्री हरि श्री, तू भी अजीब आदमी है। अरे जो पहले से ले रखा है वो देगा नहीं, जमींदार तुझे अपने घर से खिलाएंगे क्या? ना जाने कौन से राम राज में बसता है। श्री हरि श्री, लिया हुआ रुपया तो लौटाया नहीं, उल्टे मालिक की बुराई करता। अरे पंडित जी बुराई क्यों करने लगा महाराज, लेकिन दू कहां से, आप ही बताइए। मैं क्या बताऊं, चार बीघे
खेत हिस्से में जोतता हूँ, लेकिन लगातार 2 बरस अकाल पड़ गया। खेत का दान खेत में ही सूख गया। तो मैं क्या करूं? घर की तरफ देखिए महाराज, बारिश में छत ऐसे टपकती है कि कोने में बैठकर सारी रात बिता नहीं पाती है हम दोनों को। और महेश को तो आप देख ही रहे, हड्डियां निकल आई है बेचारे की। पंडित जी आप भी थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन इसे भर पेट खिला दूं। अरे अरे मेरे पैर छूने का क्या, दूर दूर। नहीं महाराज, छूंगा नहीं, बस इस बरस थोड़ा सा पुआल उधार दे दीजिए, आपको कमी नहीं पड़ेगी। अरे उधार लेगा तो देगा कहाँ से? पंडित जी जैसे भी बनेगा मैं कभी ना कभी जरूर वापस कर दूंगा। जैसे भी बनेगा जरूर वापस कर दूंगा पंडित जी। हटा, रास्ता छोड़, घर जाना है मुझे, बहुत देर हो गई। अरे अपने बैल को तो रोको, कैसे मेरी आपके हाथ में फल फूल और अनाज की पोटली है ना, उसकी खुशबू पाकर ये आपकी तरह बढ़ रहा है, खाने को मांगता है। पंडित जी खाने को मांगता है, जैसा खुद कमा है वैसे ही बैल रख छोड़ा है। पंडित जी पुआल तो नसीब नहीं होती, केले चावल खाने को चाहिए इसे। अरे अरे हटा इसे रास्ते से, एक तरफ हटा दे बाल। ओहो कैसे सींग रहे, किसी दिन किसी की जान ले लेगा। अरे मैं कहता हूँ ये किसी दिन किसी की जान ले लेगा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। महेश तू देखता रह गया और पंडित जी फल फूल चावल हाथ में लिए चले गए, तुझे एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया। उनके पास बहुत है फिर भी देते नहीं किसी को चर्रा भर भी। ना दे महेश, तू मेरा बेटा है ना बेटे, 8 साल तू हम लोगों को खिलाता पिलाता रहा, अब तू बूढ़ा हो गया है। मुझे इस बात का गम है कि मैं तुझे भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन बेटे तू तो जानता है जमींदार ने तेरे मुंह का निवाला छीन लिया, मकान के पास जो तेरे चरने की जमीन थी वो पैसे के लालच में ठेके पर उठा दी। अब तू ही बता बेटे, ऐसे अकाल में मैं तुझे कैसे जिंदा रखूं, तेरे लिए क्या करूं बेटे, तेरे लिए क्या करूं, तेरे जिस्म में अब ताकत भी नहीं। गांव वाले अब तुझे चाहते नहीं, कहते हैं तुझे बेच देना चाहिए। नहीं पर मैं तुझे बेचूंगा नहीं, कभी जुदा नहीं करूंगा अपने से बेटे, लेकिन तुझे खाने को क्या दूं, क्या दूं खाने को मैं। हाँ ठीक है, अच्छा झोपड़ी के छप्पर में से थोड़ा सा पुराना पुआल खींचे लेता हूँ, ये ले ले, चबा ले पुराना पुआल, चबा ले। अब्बा आमिना बेटी, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो? अरे नहीं सड़ा पुआल है बेटा, देखो ना अपने आप झर कर, ये देखो ये सब गिर रहा है। नहीं अब्बा मैं सुन रही थी, नहीं खींच खींच कर निकाल रहे थे। अरे नहीं बरसात में दीवार गिर जाएगी बेटी वो। अच्छा आओ चलो, मैंने दाल चावल पकाया है, खा लो। बेटा सुन जरा सा मार लिया, महेश को पिलाकर फिर खाने बैठूंगा। मार तो आज नहीं रहा अब्बा, चावल नहीं पक गया। नहीं रहा, अच्छा तो चल तू भी अपनी थाली ले आ। लाई अब्बा? ले आई बेटा, बैठ जा। तुम खा नहीं रहे अब्बा। बेटा
अरे हाँ लगता है, अरे मुझे देख देख फिर बुखार हो गया, हाँ छू के देख, और हाँ बुखार में खाना ठीक नहीं है। हाँ मगर तब तो तुमने कहा था बड़ी भूख लग रही है। तब हाँ तब शायद बुखार नहीं था बेटी। हाँ तो उठा के रख दू, शाम को खा लेना। हाँ सुन सुन मगर देख ली बेटी, ठंडे चावल खाने से तबीयत और भी खराब हो जाएगी। ए? फिर एक काम कर, एक काम कर बेटी, इसे तो महेश को खिला दे। हाँ, रात को मेरे लिए फिर मुट्ठी भर भात नहीं बना देगी मेरी बेटी? बना दूंगी अब्बा। कौन? मैं हूँ अब्बा। अरे अमीना बेटी, बेटा कुछ आता पता मिला महेश का? हाँ अब्बा। क्या हुआ महेश को? महेश कांजी हौज में है। अरे कांजी हौज में? कांजी हौज तो दरियापुर में है बेटा, वहाँ कैसे पहुँच गया? मानिक बाबू ने थाने भिजवा दिया था उसे। क्या कह रही है बेटा? अरे मानिक बाबू को तो जानवरों से लगाओ है। सच अब्बा, उनके नौकर ने मुझसे कहा अपने बापू से जाके कह दे दरियापुर के कांजी हौज में ढूंढे अपने महेश को। ऐसा क्या किया उस गरीब ने? मानिक बाबू के बगीचे में घुसकर उनके पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए। ये मानिक बाबू को क्या हुआ? इतने दिनों के भूखे प्यासे महेश की एक एक हड्डी निकल आई है, उसे दो मुट्ठी अनाज नहीं खिला सके, उल्टे उसे कांजी हौज भिजवा दिया। अब्बा अंधेरा उतर रहा है, महेश को लाने नहीं जाओगे? नहीं नहीं, पर मानिक बाबू के नौकर ने ये भी कहा था 3 दिन के अंदर नहीं छुड़ाया तो पुलिस वाले उसे गायहाट में बेच देंगे। बेचने दो बेच दिया तो अपना महेश फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, कभी नहीं मिलेगा। तब कैसे मिलेगा? तब कैसे मिलेगा? बेटी सुन, मेरी थाली ले आ। थाली का क्या करोगे? बंसी लाला के पास गिरवी रखकर उसे रुपया लूंगा, और रुपया लेकर कांजी हाउस जाऊंगा, अपने महेश को छुड़ा लाऊंगा। सच? अभी? हाँ बेटी। गफूर मिया, ओ गफूर मिया। आ गए बड़े मियाँ। आ गए गफूर मियाँ, मैंने आपका बैल अच्छी तरह देख लिया है, इसलिए ये 10 का नोट सौदेबाजी करके अब नहीं तोड़वाऊंगा। हाँ ये आप लीजिए, ये नोट आपका हुआ और बैल हमारा। क्यों? अरे मियाँ आप खामोश क्यों हैं? मैंने ठीक दाम दिया है, रख लो। हाँ अच्छा तो अब मैं ले जाता हूँ इसे। खबरदार जो पगह को हाथ लगाया। मैं क्यों? अरे मियाँ दाम अदा कर दिया, अभी पगह क्यों नहीं खोलेंगे हम? क्यों क्या, मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। ये लो अपने रुपए, उठा लो अपना 10 का नोट। हर कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे सो वो 2 रुपए, ये लो ये लो। अरे वाह गफूर मियाँ वाह, अरे इस तरह दबाव डालकर 2-4 रुपए और लेना चाहते हैं ना? यही तो। ये लीजिए, ये 2 रुपए और लीजिए। नहीं बेचूंगा, हरगिज नहीं बेचूंगा। अरे मियाँ कोई तुम्हें इस मरियल बैल का एक ढेला भी ज्यादा नहीं देगा, हमें किस होश में हो तुम? मैं नहीं बेचता, बात खत्म। ठीक है तुम्हारी मर्जी, मत बेचो, लेकिन इस बैल में माल है ही क्या? चमड़ा ही चमड़ा है बस। अरे बैल में माल हो ना हो मैं नहीं बेचता, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? क्या मामला है गफूर मियां? बड़े लाल पीले हो रहे हो। अब अरे जनाब हुआ ये कि ये कल कानी हाथ से अपना बैल छुड़ा कर ला रहे थे। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो होना। अरे कुछ नहीं गुमास्ता जी, ये बड़े मियां बैल खरीदना चाह रहे, मैं नहीं बेचता। ठीक है, इसमें झगड़े की क्या बात है? अरे जनाब कल शाम ये 2 रुपया बयाना लिया बैल देखने की बात भी पक्की करा जा। आप देखिए मुकर अजी, हमारा माल है हम नहीं बेचते, तुम्हारे दाम हमने लौटा दिया, बयाना भी लौटा दिया, अब तुम फजूल की हुज्जत कर रहे हो। अरे महेश मेरा बैल नहीं, मेरा बेटा है, कोई बात बेचता होगा अपने बेटे, तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या जी
मालिक साहब ने तलब किया है। बड़े मियां, मैं कहता हूँ अब चलते बनो, रास्ता ना दो। चलो भैया, मालिक से महेश के लिए चारा मांग लूंगा, बेचारा भूख के मारे खतरी रह गया। श्री हरि श्री हरि। जिजमान जी, वो आ रहा है गफूरा, कैसा उपद्रव मचाया है इस दुष्ट ने। पैसे की जरूरत होते हुए भी वो अपने बूढ़े बैल को नहीं बेचता सरकार। एक खरीदार आया था, उसे पग झक के लौटा दिया इसने। सलाम हजूर। ये क्या शोरगुल हो रहा था सरकार? हमारे सिर में दर्द हो गया, तुम्हें क्या दर्द दिया जाए? हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ सरकार। कहो सरकार, हम लोग खाने बिना मर रहे हैं सरकार। पशुओं के लिए भी न तो पुआल है, न चारा, न दाना। बेचारे भूखे रह रहकर दुबला गए हैं। और वक्त होता हजूर तो जो दंड दिया जाता मैं ना नहीं करता। आगे सरकार मालिक है। मैं सूखे की फसल खराब होने की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर सरकार? मैं इस अहाते में रियाया का शोरगुल नहीं पसंद करता, उससे मेरे काम और आराम दोनों में खलल पड़ता है। बोलो तुम्हें क्या दंड दें हम? मालिक साहब, मैं कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा सरकार। हुजूर, इस बार माफ कर दें। ए गफूरे, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। जाके यहाँ से। श्री हरि श्री हरि। जिजमान जी बहुत दयालु प्रकृति के हैं, किंतु ऐसे दुष्टों से कड़ाई का बर्ताव किया जाना चाहिए महाराज। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा जिजमान की इस गाँव में इन लोगों को रहने ही नहीं देना चाहिए महाराज। आप ऐसा क्यों कहते हैं पंडित जी? जिजमान जी, ये लोग सदा गौ और ब्राह्मण की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करते हैं। लेकिन पंडित जी, ये गफूर जितना प्यार अपने बैल महेश से करता है, शायद इस हमारे गांव में क्या सारे इलाके में कोई हिंदू अपने बैल से नहीं करता होगा। अमीना इसकी इकलौती बेटी है और महेश बैल को अपना बेटा मानता है। ये सब दिखावा है गुमास्ता जी, दिखावा। मैं नहीं मान सकता। मैंने कई बार उधर से निकलते हुए उसे महेश से बातें करते सुना है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और गुमास्ता जी। हाँ। अरे अब छोड़िए भी अपने पुराण पंथी तर्क रत्न जी, इन्हें भी जीने दीजिए। क्षमा करें महाराज, आप जैसे उदार सज्जनों ने इन्हीं सिर पर चढ़ाया है महाराज। आप इन्हें जितनी ढील देंगे महाराज, ये उतने ही स्वेच्छाचारी होते जाएंगे। जिसके पास शक्ति है उसका स्वेच्छाचारी क्या बिगाड़ सकता है पंडित जी। पर ये तो दुनिया है, इसमें सब तरह के लोग मेल जोल से रहे, वही सबके लिए अच्छा होगा। ठीक कहते मालिक, बिल्कुल ठीक कहते। अब्बा, क्यों बुलाया था जमींदार साहब ने? दंड देने को बुलाया था। महेश के खरीदार के साथ झगड़ा करने से जो शोर मचा था ना, उससे उनके आराम में खलल पड़ा। फिर क्या दंड दिया? अरे इस बार तो माफ कर दिया। एक बात कहूँ अब्बा? क्या बेटा? तुम्हारा मिजाज बहुत बदल गया है अब्बा। घंटू, तुम घुटनों में सिर दिए चुप बैठे रहते हो। कुएं तालाब सब सूख गए, जमीन खुश्क हो गई, फट गई, न जुताई न बुआई और न सिंचाई। फिर इस महेश की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, बस मुझे यही एक खून लगा हुआ है। अब्बा, सुना है नदी पार फूलबाड़ी में कोई जूट मिल खुली है, बहुत से किसान भुखमरी से तंग आकर गांव छोड़ गए हैं और वहां जाकर बस गए हैं, वहां उन्हें रोजगार भी मिल गया है। ना ना बेटा, ना, जूट मिल शरीफ लोगों के रहने की जगह नहीं है। बेटा, ईमान धर्म इज्जत कायम रखना वहां जरा मुश्किल है। सुन बेटा, एक काम तो कर। क्या अब्बा? आज सवेरे से महेश को एक दाना भी नहीं मिला है। बेटा, पड़ोस के दो चार घरों में जाकर पूछ ले, शायद कहीं थोड़ा सा माल इसके लिए मिल जाए। जा जा बेटा, जा। अच्छा, हाँ। जाती जा, जा, जा।
बाप रे बाप, क्या गर्मी है। अमीना, अरे ओ अमीना। आई अब्बा। अरे पसीने से नहा रहे हो तुम। अरे बेटा, चार कोस का चक्कर मार कर आया हूँ पर कहीं काम नहीं मिला। भूख प्यास और थकान से चक्कर आ रहे हैं। जा बेटा जा, जल्दी से भाग निकाल। अरे गुमसुम तुम खड़ी है, नहीं पकाया भात। अरे सुबह से क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकाया? चावल नहीं थे अब्बा। सवेरे नहीं कह सकती थी मुझसे? दिन भर जन भूल कर लौटा हूँ तो कहती है चावल नहीं थे। रात को तो कहा था। रात को तो कहा था, जैसे रात का कहा हुआ सुबह याद रहता है। ला ला बाबा एक लोटा पानी ला दे, प्यास से गला सूखा जा रहा है। पानी, पानी तो एक बूंद भी नहीं है। क्या नहीं है? अरे क्यों नहीं है, तू तो दिन भर करती क्या रहती है, एक गड़ा पानी तक नहीं ला सकती। गई थी तालाब तक। तो क्या हुआ? एक जगह गड्ढा खोद कर लोगों ने वहाँ से थोड़ा पानी निकाला है। बहुत देर थी अब्बा, बहुत देर तक दूर खड़ी रही। कई लोगों से विनती की मेरे गड्ढे में भी पानी डाल दो। सब अपनी अपनी लगी थी अब्बा, लाख कहने पर भी किसी ने एक कंजल पानी मेरे गड्ढे में नहीं डाला। एक कंजल पानी नहीं डाला? अरे कलमुही तो किसी लायक नहीं है, बस जवान चकर चकर चलाना जानती है तो पैदा होता ही क्या। अरे ये जा जल्दी से भरा पानी देकर। अरे जाती है कि नहीं? ये मैंने क्या किया, जिस माँ की लड़की को कड़वा लवच नहीं कहा, आज उस पर हाथ उठा दिया। आज क्या हो गया मुझे, आज क्या हो गया। गभूरे, ए गभूरे। कौन है? अरे बाहर तो आ। कैसे आए इस तकाचक दुपारी में? अरे अरे जमींदार साहब ने तलब किया है, जल्दी चल। अभी तो मैं बाहर से जला भुना चला आ रहा हूँ, कुछ भी खाया पिया नहीं है, बाद में आ जाऊंगा। अरे गफूरे सीधे सीधे चल, मालिक बहुत गुस्से में है महेश की वजह से। महेश? हाँ। क्या किया है महेश ने? अरे मालिक के बगीचे में घुसकर सारे पौधे उगा दिए। अरे पकड़ने की कोशिश की तो मालिक के बेटी को जमीन पर पड़े गया, भाग गया। बाप रे। हाँ। अरे जल्दी चल, और जाते ही मालिक के पैर में गिर पड़ना। चलो चल चल गया। एक तो जान बूझ कर बैल खुला छोड़ रखा है ताकि वो लोगों का नुकसान करता रहे, दूसरों की सींग आता है और ऊपर से कहता है गलती हो गई माफ करो। नहीं मालिक, नहीं, जान बूझ कर मैंने तो खुला नहीं रखा मालिक, वो रस्सा तोड़ कर भागा होगा। तो तूने इस बात का ध्यान क्यों रखा कि बैल कहाँ है? मालिक मैं तो बात बात मत कर, अभी तेरा दिमाग ठीक करता। अरे हरी चला मार मार कर चमड़ी। पानी पानी, अमीना अभी तक पानी लेकर नहीं आई। अरे ये तो अमीना की आवाज है, क्या हुआ अमीना? अरे तू गिर कैसे पड़ी बेटी? मेरे सिर पर गड़ा देखकर महेश मेरी तरफ पड़ा, मुझे लगा ये मुझे मारेगा। अब्बा मैं सहम गई अब्बा, मैं पीछे हट रही थी, एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर गई अब्बा। चलो तो ये महेश ने किया अब्बा, गड़ा फूट गया अब्बा, कितनी मुश्किल से तो पानी मिला था अब्बा। देखो तो अब्बा महेश कितना प्यासा है अब्बा, गीली मिट्टी तो चाट रहा है अब्बा। महेश जिसे मैंने बेटे की तरह पाला, महेश ने तुझे धक्का दिया, महेश ने तुझे गिराया, इसने तेरा घड़ा तोड़ दिया, इसने जिमीदार की फरवाली उजाड़ दी, इसने मुझे जिमीदार से पिटवाया। मैं और इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा। हट अमीना, अमीना हट, हट जा अमीना, हट जा। अब्बा ये तूने क्या किया? अब्बा ये तूने क्या
कहता था मेरा बेटा है। अरे भैया दिल में मोह ममता नहीं थी तो पशु को खूंटे पर बांधा ही क्यों था। उस दिन मेहमान कसाई 12 रुपए दे रहा था, नहीं बेचा। अरे भाई खुद हाल उठाकर मारना चाहता था, इसीलिए अब प्रायश्चित करना पड़ेगा इस हत्यारे को। ये सारा घर द्वार बिक जाएगा। ओहो महापाप किया इस अधम ने। श्री हरि श्री। अमीना, उठ अमीना, उठ बेटी। क्या है अब्बा? उठ जा बेटा, चल हम लोग चले यहाँ से। कहाँ अब्बा? फूलबाड़ी की जूट मिल में काम करने। उस दिन तो तुमने कहा था वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ ईमान नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती वहाँ। शेर मैंने कब क्या कहा था? छोड़ बेटा, छोड़। चल बेटा चल, उठ खड़ी चलना, तेरी मत का तू जाना है। चल बेटा। अब्बा ये थाली लोटा कपड़े की बक्सी में रख लूं? ना बेटा ना, ना। ये सब यही रहने दे बेटा, यही रहने। इससे मेरे महेश विराजित होगा। चलो अब्बा। ये बबूल का पेड़ आज तक महेश इसी के नीचे बनता था। मेरे अल्लाह, मेरा महेश भूखा प्यासा मर गया। उसे चरने तक के लिए किसी ने जमीन नहीं छोड़ी, उसे पानी तक के लिए तरसाया। मेरे अल्लाह, मुझे चाहे जितनी सजा दे ले, पर जिसने तुम्हारी दी हुई खास और तुम्हारा दिया पानी उसे छूने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ मत करना। मेरे अल्लाह कभी माफ मत करना, कभी माफ मत, कभी माफ मत करना, कभी महेश। अभी आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगला कहानी का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतर बीएस भटनागर ने किया था। इसके प्रस्तुतकर्ता थे सुशील बैनर्जी। प्रस्तुतिकरण सहायिका थी चंद्र प्रभा भटनागर और तकनीकी सहायक थे SA आबिदी और शैलेंद्र सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे PN श्रीवास्तव, HH अरोड़ा, बिमल बैनर्जी, प्रेम शंकर तिवारी, अशोक कुमार घोष, विष्णुदत्त गौड़, राकेश वर्मा, KK पांडे, C प्रभाकर शर्मा और अर्चना मिश्रा। ये नाटक आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया था।